दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट्स का, जिसमें पहला टैबलेट आता है हुआवे की तरफ से और इसका नाम है हुआवे मीडिया पैड M5 लाइट, और दूसरा टैबलेट आता है सैमसंग की तरफ से और इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस के साथ में। और दोस्तों दोनों ही टैबलेट पे आपको डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे सैमसंग पे आपको कार्ड डिस्काउंट मिलता है 1250 रुपये का SBI डेबिट कार्ड के साथ में, और SBI क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको 1750 रुपये का ऑफ मिलता है। वहीं अगर बात करें हम लोग हुआवे मीडिया पैड M5 लाइट की, तो यहाँ पे आपको सीधे प्राइस स्लैश मिलता है और 15,999 रुपये में आपको 3GB और 32GB वाला कॉम्बिनेशन मिल जाता है। दोस्तों शुरुआत करें अगर दोनों के कंपैरिजन की, तो बात करते हैं डिस्प्ले की। यहाँ पे आपको हुआवे मीडिया पैड M5 लाइट में 10.1 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, और वहीं सैमसंग में आपको 10.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है। दोनों की ही डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पर यहाँ पे सैमसंग का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको बेजल्स कम मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है, कलर ज़्यादा पंचियर मिलते हैं। वहीं अगर बात करें हुआवे की, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है टैबलेट, और इसका जो डिस्प्ले है उसमें जो बेजल्स हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू सैमसंग के टैबलेट से। तो डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे आपको सैमसंग का टैबलेट ज्यादा अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। दोस्तों अगर बात करें प्रोसेसर की, तो सैमसंग में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 मिलता है। वहीं अगर बात करें हुआवे की, तो यहाँ पे आपको हाई सिलिकन किरिन 659 मिलता है, और दोनों ही ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और दोनों ही लगभग सिमिलर परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस में आपको दोनों में ही कुछ भी इश्यूज नहीं आएंगे, डेली टास्किंग में या फिर नॉर्मल टास्किंग में कुछ भी लैग या हैंग नहीं मिलेगा, नॉर्मल गेम भी आप इसमें खेल सकते हैं। अगर आप पबजी खेलना चाहते हैं तो पबजी भी मीडियम ग्राफिक्स पे आप आराम से खेल सकते हैं दोनों ही टैबलेट में। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, और दोनों ही कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू वो डिपेंड करता है टैबलेट पे। दोस्तों अगर बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे आपको हुआवे में आगे और पीछे की तरफ 8 MP का सिंगल शूटर मिलता है सेल्फी में भी और रेयर कैमरा में भी। वहीं सैमसंग में आपको पीछे की तरफ 8 MP और आगे की तरफ 5 MP का कैमरा मिलता है। कैमरा क्वालिटी के मामले में सैमसंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ देता है। वहीं अगर बात करें हुआवे की, तो यहाँ पे ये भी एवरेज फोटोज़ देता है डे लाइट कंडीशन में, और डिम लाइट में दोनों ही स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। दोस्तों अगर बात करें बैटरी की, तो हुआवे में आपको 7500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और सैमसंग में 7040 mAh की बैटरी मिलती है, और दोनों ही काफ़ी अच्छी बैटरीज है और लगभग 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देती है, और साथ में फास्ट चार्जर आपको बंडल्ड मिलता है। और हुआवे में आपको और सैमसंग में दोनों में ही आपको क्वाड स्पीकर मिलते हैं। सैमसंग के स्पीकर AKG के थ्रू ट्यून्ड है, और वहीं हुआवे के स्पीकर हरमन के थ्रू ट्यून्ड है, और दोनों ही स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं और बहुत ही अच्छे साउंड करते हैं। हुआवे के साथ में आपको एक M-Pen मिलता है जो स्टाइलस है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करें कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, तो यहाँ पे हुआवे मीडिया पैड M5 लाइट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, जिसमें आपको LTE वेरियंट 3GB 32GB सिर्फ 16,000 रुपये मिलता है। वहीं 17,000 रुपये में सैमसंग में आपको वाईफाई ओनली वेरियंट मिलता है 3GB+32GB, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, शेयर करें हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, और बने रहें अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।